आगे बढ़ते हैं। बीजेपी से दुश्मनी के बीच मर्यादा भूल गए हैं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने यूपी का अपमान किया है। उद्धव ठाकरे ने सीएम योगी पर बेहद शर्मनाक टिप्पणी की है। उद्धव ठाकरे ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भोगी कहा है और उन्हें चप्पलों से पीटे जाने की बात कही है। कहा है योगी आदित्यनाथ को चप्पलों से पीटना चाहिए, वो योगी नहीं भोगी है। बता दें आपको, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि विरार में सीएम योगी ने अपने खड़ाऊ नहीं उतारे थे, शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान अपने खड़ाऊ नहीं उतारे थे। बीजेपी की युवा पीढ़ी में हिंदुत्व के आदर्श नहीं झलकते हैं। यूपी बिहार के लोगों का अपमान करने वाले उद्धव ठाकरे ने फिर अपनी जहरीली जुबान खोली है और अब शिवसेना की यह बेलगाम सियासत किस ओर जाएगी यह किसी को नहीं पता। कुछ नहीं कहा जा सकता शिवसेना का। सारी सियासी मर्यादाएं तार तार करते हुए, भाषाई मर्यादा तार तार करते हुए उद्धव ठाकरे ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर यह निशाना साधा है, विवादित टिप्पणी की है। कहा है उन्हें चप्पलों से पीटना चाहिए, वो योगी नहीं भोगी हैं। अक्सर यूपी बिहार के लोगों के लिए, यहां रहने वालों के लिए शिवसेना के नेता इस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन यहां तो सारी हदें ही पार कर दी। सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया और सारी भाषाई मर्यादाएं तार तार करते हुए, तोड़ते हुए ऐसी बात कह दी जो शायद बार बार कहनी भी नहीं चाहिए। बीजेपी की युवा पीढ़ी में हिंदुत्व के आदर्श नहीं झलकते, ये उद्धव ठाकरे ने कहा है। एक बार जहरीली जुबान अपनी फिर से खोली है यूपी बिहार के लोगों के लिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। ये वही शिवसेना है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रही है और यही वही शिवसेना है जो अक्सर मुखपत्र सामना के जरिए इसी सरकार पर, केंद्र सरकार पर, मोदी पर निशाना साधते रहते हैं, प्रधानमंत्री पर। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, क्या कहा जाए उद्धव ठाकरे को, सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए इतनी विवादित टिप्पणी उन्होंने दी है। लगता है राकेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो उद्धव ठाकरे ने सारी भाषाई मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए, तोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व यूपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, क्या कहेंगे सर, उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए, क्या इस तरीके की टिप्पणी शोभा देती है सर? मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि एक तो वो गलतफहमी निकाल दें, बाल ठाकरे जी का समय अब चला गया, दोनों भाइयों में जूते में दाल बट रही है, आपस में बंटवारा है। और फिर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर राजनीतिक मतभेद हो सकता है, विरोध हो सकता है, तो विरोध में मर्यादा में रहकर टिप्पणी करें, ना कि अमर्यादित टिप्पणी करें। ये सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में शोभा नहीं देता, ये उनको मेरी राय है। और भाजपा भी अब उनके सामने खड़ी है और पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना अपनी दुर्गति देख चुकी है महाराष्ट्र में, इसलिए अच्छा हो कि मर्यादा ना लांघे, राजनीतिक विरोध की बात करें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मर्यादाएं तो लांघ रहे हैं, बार बार लांघ रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री पर, उनकी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन सारी बातें ठीक है क्योंकि वो एक मर्यादा के अंदर रहती है। यहां पर तो सीएम योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना साधा है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे शायद बार बार हमें कहना भी नहीं चाहिए। है कि पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं, हताशा निराशा और खींच की स्थिति में आ गए हैं उद्धव ठाकरे जी। और जिस सीट पर आदरणीय योगी जी गए थे अभी प्रचार करने, वो सीट पर शिवसेना का सिंहासन हिलता दिख रहा होगा, तो पूर्वाभास होने के कारण उन्होंने ये कटु और अमर्यादित टिप्पणी की है।
सवाल ये भी है कि आप ही के साथ वो सरकार में भी है महाराष्ट्र में, आप ही के लिए, आप ही के नेता के लिए जो फायर ब्रांड एम्बेसडर हैं, लगातार आपके स्टार प्रचारक हैं, हर चुनाव आपको जिता रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उन पर निशाना साधा है, क्या महाराष्ट्र में इसका असर दिखेगा सरकार पर, या फिर सिर्फ ये कह दिया जाएगा कि उद्धव ठाकरे गलत बयानबाजी कर रहे हैं बस? नहीं नहीं, निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं होता सब चीज सार्वजनिक करके बात की जाए। पार्टी के द्वारा निश्चित तौर पर इस संबंध में वार्ता की जाती रहती है, और अगर इसके बाद भी आखिर भगवान कृष्ण ने भी 101वीं गलती पर गर्दन काटी थी, इतिहास साक्षी है, महाभारत साक्षी है, वेट करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समाचार पत्र से बात करने के लिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उत्तर प्रदेश।